किसी भी हीटिंग एलिमेंट को बनाने के लिए आपको ना दो चार बेसिक चीज़ें हैं ना वो पता होना चाहिए। अगर वो आपको पता होंगी तो फिर आप एक्यूरेटली किसी भी स्केल पे ऊपर आप इसको बना सकते हैं। आपको पता होगा कि आप क्या कर रहे हो। सबसे पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि आपको कितनी पावर का हीटिंग एलिमेंट चाहिए। अभी जो मैं बनाने जा रहा हूँ उसकी जो पावर होगी वो 3000 वाट होगी। हमारे पास जो नॉर्मली वोल्टेज होते हैं ना, ये हैं हमारे पास 230 वोल्ट। तो जब 3000 वाट है और हमारे पास वोल्टेज है 230, तो इसके मैं एम्प्स निकाल लूंगा कि कितने एम्पेयर बनेंगे, यानी कि जितने एम्पेयर ये कंज्यूम करेगा। पावर को वोल्ट के साथ डिवाइड करोगे, पावर है हमारी 3000 और वोल्टेज है 230, विच इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 13.1। चाहिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं ओम, कि जब हम मीटर से चेक करें तो इतने ओम की रेजिस्टेंस होगी तो वो 3000 वाट के इक्वल होगा। आपने क्या करना है कि वोल्टेज है उसको डिवाइड कर देना है जो आपने एम्प्स निकाले हैं, यानी कि एम्पेयर निकाले हैं। वोल्टेज है 230 और उसको डिवाइड किया 13.1 के साथ, टोटल रेजिस्टेंस होगी वो 17.5 से 18 ओम तक हम रखेंगे तो हमारा जो है अच्छा हीटिंग एलिमेंट बन जाएगा। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं।